एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज होने वाला है नेल एक्सटेंशन और आईलैश एक्सटेंशन ऑन माय चैनल। और मैं आप सभी के साथ सारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, द होल प्रोसीजर, ये डू क्या है, डोंट्स क्या है और कैसे क्या होता है। एक्सटेंशन मैंने पहले भी कर रखा है, सो उसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फर्स्ट टाइम मैं आईलैश एक्सटेंशन करवाने जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। आई डोंट नो हाउ दिस विल लुक वर्क ऑन मी, आई रियली डोंट नो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, प्लीज़ कमेंट करके आप सब मुझे बताना ज़रूर। और क्या प्राइस है, क्योंकि मुझे कॉम्बो डील मिली है नेल एक्सटेंशन की और आईलैश एक्सटेंशन की, सो कॉम्बो का क्या प्राइस है वो मैं एट द एंड वीडियो में शेयर करने वाली। सो विदाउट वेस्टिंग का टाइम घर से निकलते हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम 1:30 और एक ऑलरेडी बच चुका है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गाइस डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। और बहुत एफर्ट लगता है, बहुत हार्डवर्क लगता है, आपका अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, मिलते रहेंगे बीच बीच में। स्टार्ट कर रहे हैं आई लैशेज एक्सटेंशन। यू कैन सी माई आई लैशेज, यहाँ पर अभी इतनी लेंथ है इसकी, और उसके बाद आफ्टर रिजल्ट क्या आने वाला है वो आप ज़रूर देखना। और यहाँ मेरी आईज़ क्लीन कर रहे हैं, जितना भी मेकअप था वो रिमूव कर रहे हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी शूट कर पा रही हूँ और मैं शूट कर रही हूँ। और बीच बीच में जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ सकूँगी मैं ऑफकोर्स पूछ रही हूँ उनसे। और द मेन थिंग, मैं आई लैश एक्सटेंशन पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उनके सलून में इतनी ज़्यादा क्राउड था, कोई भी नहीं था जो कैमरा पकड़ के पूरा शूट कर पाए। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने शूट किया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली आई लैश एक्सटेंशन हमारी आई लैश ओरिजिनल आई लैश के थ्रू होता है। पेनफुल तो नहीं होता ना? नहीं। और कितना टाइम लगता है इसको? 1.5 घंटा तो लगता है। 2.5 घंटा? अभी प्रिकॉशंस भी है इसके, कल मॉर्निंग तक पानी यूज़ नहीं करना होता। पानी नहीं यूज़ करना और कुछ मतलब ये निकलनी शुरू होती है ये? हाँ जी, हमारे के लैशेस दिन में 2 से 3 तो गिरते गिरते हैं, तो ये एक्सटेंशन लगता है हमारे खुद के लैशेस के ऊपर लगता है। ये वो तो नहीं होता ना जो फेक लैशेस होती है, होती तो ओरिजिनल है ना, प्लास्टिक तो नहीं होती ना? बाकी हमारे लैश सर्कल 2-3 वीक्स का होता है, तो 2-3 वीक्स तक मैक्सिमम लैशेस झड़ जाते हैं। ओके, मतलब कि 2 वीक्स में ही झड़ सारी झड़ जाएगी? मैक्सिमम झड़ जाएगी। आपको 2-3 वीक्स में फिर रिफिल करवाना पड़ेगा। और रिफिल के चार्जेस हैं वो आप मैम से पूछिए। ओके, वो मैम बताएंगे। सो जितना मैं पूछ सकती थी मैंने सब कुछ उन मैम से पूछा जो मेरा आई लैश एक्सटेंशन कर रही थी। शी वॉज सो नाइस, वो मुझे सब कुछ बता रही थी, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं खुद क्यों नहीं शूट कर पाई, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने मुझे टेप लगा दी थी मेरे अंडर आइज एरिया पे, और वहाँ पर ही बेसिकली ग्लू रखी होती है और आई लैश एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। सो येस, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू ओपन माई आइज़, क्योंकि वो ग्लू मेरी आइज़ में जा सकता है, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर माई आइज़। सो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई मैं कर पाई, और हेयर इज़ माई आई एक्सटेंशन जो कम्प्लीट हो गया, और इट वॉज लुकिंग सो प्रीटी इची। हाँ, और यू नो जो हमारी आई लैशेज खुद के ओरिजिनल होते हैं उसी के अंदर ही ये ग्लू के साथ जो फेक आई लैशेज है उसको इंसर्ट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आई लैशेज थी, सीरियसली बिल्कुल भी प्लास्टिक तो थी ही नहीं, और बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सो यहाँ मेरी आई लैशेज एक्सटेंशन कम्प्लीट हो गई है, थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रहा है बिकॉज ग्लू लग गया, बट आई थिंक इट लुकिंग गुड। एंड बिल्कुल मैंने हैवी नहीं करवाया, बहुत ही सिंपल सा मैंने लैशेज रखवाई है, और जो साइज़ होता है इनका मैंने आई थिंक 10 mm करवाई है, और इट इज़ लुकिंग गुड। या इट्स लुकिंग गुड। और यहाँ मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी नेल एक्सटेंशन की। जी हाँ, इनका पूरा फर्स्ट फ्लोर नेल एक्सटेंशन के लिए है, और
बहुत ही रीजनेबल रेट्स है गाइस. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो द रेट. एंड सबसे पहले मैंने नेल्स को अच्छे से क्लीन किया था, बफीनेस की थी और क्यूटिकल्स को क्लीन करके उसको बैकओवर किया था. और यहाँ पर शेप्स दो होती है नेल्स की, एक होती है उसकी स्क्वेयर करना है और एक होती है राउंड. पर तो मुझे तो स्क्वेयर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही करवाई है. यहाँ पर मैंने बहुत प्रिटी सा न्यूड शेड पिक किया है बिकॉज पहले मैंने ब्लैक कलर करवाए थे विद स्टोन्स शिमर्स, तो यहाँ मैंने बिल्कुल न्यूड कलर पिक किया है और अच्छे से क्लीन कर रहे हैं. द गर्ल इज़ डूइंग माई नेल एक्सटेंशन, शी वॉज सो एक्सपीरियंस्ड. बहुत अच्छे से वो सीरम भी अप्लाई कर रही है अभी, बिल्कुल भी रफनेस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बिल्कुल भी रफनेस मुझे फील ना हो. एंड द नेल्स आर लुकिंग सो प्रीटी. द कलर न्यूड पिंक इज टोटली गोइंग ऑन माई हैंड्स एंड द स्किन. एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट, सर्विस वॉज सो फंटास्टिक, दे हेल्प्ड मी अ लॉट, दे गाइड मी अ लॉट एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग सो अमेजिंग विद द होल वीडियो, विद द होल प्रोसेस. And the whole looks turned out amazingly. Eyelash extension, nails extension, and the rates are very cheap. They gave me this combo deal in 3500 and the both. It's not even possible 35. अब मैं घर आ गई हूँ और मैं छत पे शूट कर रही हूँ. So look at my nails. Nails are looking so pretty. Oh my god. Nude color मैंने इस बार pick किया है. पहले मैंने black color use किया था लेकिन इस बार मैंने pick click किया है nude color. बहुत ज़्यादा pretty लग रहा है, बहुत simple सा लग रहा है. और eyelashes मेरे यू कैन सी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं. मैंने फर्स्ट टाइम eyelashes कराया, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. सो एक्सपीरियंस वाज नाइस. डोंट से कि मुझे बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है और 24 आवर्स तक मुझे पानी बिल्कुल भी अपने आईज़ के आसपास नहीं लगाना है बिकॉज इससे eyelashes टूटने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है कह सकते हैं. लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी है, वो मैं फॉलो करूँगी. बाकी लुक अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि आईज़ पर कुछ किया है डिफरेंट सा. और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद ऑल फ्रेंड्स. मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ. और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन सो यू विल गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल एंड माय वीडियोस. सो मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ. गुड ब्लेस यू, बाय बाय.